साल 2015 बेअदबी मामले हुंदे ने ते सौदा साध दे उत्ते इल्जाम लगदे ने, सौदा साध नूं लै के केस चलदे ने, उस तो बाद गिरफ्तार कर लिया जांदा सौदा साध राम रहीम अते उस तो बाद हुण कोर्ट दे गेड़े लग रहे ने। हुण तक जो कुछ भी जानकारियां सामने आ सकियां सौदा साध दे मद्देनज़र, उस नूं लै के सौदा साध अपने उत्ते लगे इल्जामां तों नकारदा दिखाई दे रहा है, पर दूजे पासे सिट्टां नूं लै के सिट्टां दीआं रिपोर्टां सामने आ रहियां ने। एस आई टीज़ दे गठन हो रहे हैं, कदी सी बी आई दे कोल मामले जा रहे हैं, कदी एस आई टीज़ कोल जा रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि जदों इह मामला हुंदा है सामने आउंदा है तां कांग्रेस सरकार दे समें दे विच एक एस आई टी का गठन हुंदा है, उस वेले सब तो पहला पंजाब पुलिस दे कोले मामला हुंदा, एस आई टी का गठन हुंदा, उस तो बाद फिर तो सी बी आई नूं इह मामला सौंप दिता जाता, सी बी आई को मामला जाता, सी बी आई जांच करती है, उस तो बाद फिर दोबारा मता पैंदा है, और मता पैण तो बाद विधानसभा मता पैण तो बाद दोबारा एस आई टी ये कार्रवाई सौंप दी जाती है, जांच सौंप दी जाती है। हुण सौदा साध ने पटीशन पाई है जुडिशियल कोर्ट के, सौदा साध का कहना है कि उसनू वो सारे दस्तावेज़ दिते जान, वो सारे सबूत दिते जान जिहड़े सी बी आई ने इकट्ठे किए ने, जिहड़ियां रिपोर्टां सी बी आई दीआं ने उसनू सौंपियां जान, तां कि वो अपने केस दे विच अगे कोई ठोस कदम चुक सके, तां कि वो अपने केस दे विच किसे तौर दी अगे डिवेलपमेंट कर सके। इस वास्ते उसने सी बी आई दे सबूतों की मांग की है, सी बी आई वल्लों जिहड़े सबूत इकट्ठे किए गए सी, जांच की गई सी, वो सबूत सौदा साध वल्लों मंगे गए ने, ते जुडिशियल कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया गया, पटीशन पाई गई है। इस तो पहला भी सौदा साध ने पटीशन पाई सी मार्च 2023 दे विच, ते मंग कीती सी अपने उत्ते लगी एफ आई आर दे विच जमानत दी, पर खारज हो जांदा है। दूजे पासे हुण पटीशन पाई गई है दोबारा, ते मंगे गए ने दस्तावेज ताकि अपने केस दे विच किसे तौर दी डिवेलपमेंट कर सके सौदा साध। तां दस दईए कि इस मामले नूं लैके दरअसल दो एफ आई आर दर्ज सन, एक तां बरगाड़ी दे विच विवादित पोस्टर्स ते बेअदबी दा मामला, उस नूं लैके एफ आई आर नंबर 117 दर्ज हुई सी, जिस तों बाद एक होर एफ आई आर दर्ज हुई सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दी दे मामले नूं लैके, ते एफ आई आर नंबर 128 जिहड़ा उह दर्ज कीती गई सी, ते इस नूं लैके कार्रवाई चलती पई सी, जबकि दूजे पासे जो ये मामला अगे जाता है तो कोर्ट वालों 50,000 के दो बचकले जड़े ने वो देने दे हुक्म कर दिते जाते हैं सौदा साध नूं, सौदा साध की पार्टी नूं, तो उस वक्त भी कथित तौर पर एक एफ आई आर दे विच जिहड़ी है वो जमानत मिल जाती है, एक एफ आई आर नूं खारज कर दिता जाता है, जिस तों बाद सिख भाईचारे दे विच काफ़ी रोस भड़कदा, धरने मुजारे होंदे ने, तो उस वक्त भी दो नौजवान जिहड़े ने मारे जाते हैं, उन्होंने मौत हो जाती है। पर इस पूरे मामले में लैके जो सौदा साध ने इस मामले की गल करिए, हुण दोबारा जुडिशियल कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया गया, जिथे सी बी आई दे कोल जान सी मुड़ एस आई टी दे कोल आती है, तो एस आई टी जिथे फरीदकोट के चल रही होंगी है उत्थे ही चंडीगढ़ भेज दी जाती है जाँच, तो चंडीगढ़ जुडिशियल कोर्ट के जाँच चल रही होंगी है, तो उत्थे ही हुण जिहड़ी इह पटीशन पाई गई है, तो पटीशन दायर करके मंगया गया कि सी बी आई के जिहड़े सबूत ने दे दिते जाण, तां कि उसदे आधार उत्ते अगे केस बनाया जा सके, डिवेलप किया जा सके। खैर इस मामले नूं लैके सौदा साध सी बी आई दे नाल कुछ ज़्यादा ही जुड़िया होया अपने आप नूं दसदा है, दिखाई दिंदा है, क्योंकि हर वार जदों भी जांच शुरू हुंदी है, एस आई टी जांच करती है या पंजाब सरकार जांच करती है, तो उस वेले सौदा साध वल्लों यह मंग की गई कि जांच सी बी आई नूं सौंपी जाए, सी बी आई इस मामले की निरपक्ष जांच करेगी, ना कि पंजाब सरकार। सौदा साध दे इल्जाम सी कि पंजाब सरकार अपने हिसाब दे नाल जांच कर रही है, तो एस आई टी वल्लों अपने हिसाब दे नाल इस मामले दे विच चलिया जा रहा है, उस वल्लों मंग की गई कि सी बी आई दे कोल जांच सौंपी जाए, सी बी आई उस मामले की जांच करे। खैर सी बी आई दे सबूत हुण दोबारा मंग लए गए ने, सबूतों के आधार उत्ते केस डिवेलप करन की मंग की गई है, जुडिशियल कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया गया, और सौदा साध मंग कर रहा है सबूतों की। एक पासे अदालत का यह कहना है कि सबूत दे दिते गए ने, पर दूजे पासे सौदा साध ने साफ इनकार कर दिता, उसने कहा कि अब तक सबूत नहीं मिले, तो सबूत उसनू जल्द सौंपे जान। इस पूरे मामले में लैके हुण वेखना होगा किस तरह की कार्रवाई होंदी है, क्योंकि कोर्ट के सौदा साध की पटीशन है, एक पटीशन पहला खारिज हो चुकी है, हुण दोबारा पटीशन पई है, क्वाश तो नहीं होगी या फिर इस मामले के उसनू सबूत दे दिते जाते हैं, ये वेखना होगा, या फिर की सुनवाई होगी या फिर नहीं, इस उत्ते भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कुछ भी होगा तुम दसते रहोंगे, बने रहो वन इंडिया पंजाबी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।